हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुरमुरे की एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम हेल्दी नाश्ता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आपने मुरमुरे की भेल पूड़ी तो ज़रूर बना के खाई होगी, पर आज की जो रेसिपी वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक बाउल लेना है। इस बाउल में डाल देना 1 कप बेसन। तो यहाँ बस आपको 1 कप ही बेसन का इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे नमक और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को बढ़िया सा मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर पानी। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसका जो हम बैटर बनाएंगे वो थोड़ा सा गाढ़ा बनाएंगे, इसलिए एक साथ ज़्यादा पानी बिल्कुल ना डालिएगा। तो फटाफट अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। और ये लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको बैटर की थिकनेस रखनी है। ये देखिए, मैंने इसे फिंगर से इस तरीके से किया तो दो लाइन आपस में बिल्कुल भी नहीं मिले, यानी कि बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। तो दूसरी तरफ बाउल में मैंने यहाँ पे पानी ले लिया 1 कप के लगभग। तो अब हम इस पानी में डालेंगे यहाँ पर मुरमुरे। तो मैंने यहाँ पे 3 कप के लगभग मुरमुरे ले लिए। आप इसे मुरमुरे या फिर लाई भी बोल सकते हैं। तो देखिए मुरमुरे बहुत ही क्रिस्पी है। इसे सॉफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है। पानी में मुरमुरे को डाल देंगे और इसे स्पून से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मुरमुरे हैं वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरीके से अच्छे से पानी में मिक्स कर लेना। इसके बाद इसे हाथों से इस तरीके से आपको इसे मुरमुरे को निकाल के एक अलग से बर्तन में रख लेना है, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से मुरमुरे को रख लेंगे। इससे क्या होंगे, जो मुरमुरे हमारे होंगे बहुत ही सॉफ्ट बने रहेंगे और इसका नाश्ता भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इस तरीके से मुरमुरे निकाल के अलग बर्तन में इसे ऐसे ही रख लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ पे हमने मुरमुरे को निकाल के अलग बर्तन में रख लिया और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हमारे मुरमुरे हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए जो बेसन का घोल हमने बना के तैयार किया था, इस बेसन के घोल में यहाँ पे हम मुरमुरे को डाल देंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा मिर्च ऐड कर देंगे, साथ ही में इसमें बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज का टमाटर ऐड कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा जीरा और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्ची पाउडर। और इसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कोई भी ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस रेसिपी को बना रही फ्रेंड, और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी फ्रेंड, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फटाफट अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, कुछ इस तरीके से आप इसका गाढ़ा सा बैटर बना के तैयार कर लीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। आप इसकी जगह एनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फटाफट अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे डालने से क्या होगा, जो नाश्ता होगा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, एकदम फूला फूला सा बनेगा। तो अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए, ये हमारा नाश्ते का जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक अपनी कढ़ाई ले ली है। अब इसमें डाल देना यहाँ पर ऑयल। तो बस यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा सा ही ऑयल का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, तो इस तरीके से पूरे में ऑयल को डाल देना है और स्पून की सहायता से बैटर को इसमें अच्छे से फिल कर देना है। पूरी तरीके से बैटर को ऊपर तक फिल ना कीजिएगा, क्योंकि पकने के बाद ये थोड़ा सा फूल जाएगा, इसलिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा बैटर इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे हमने बैटर को डाल दिया, अच्छे से इनको फिल कर दिया, इसे कवर कर देंगे और इसे 10 मिनट लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। देन 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये पक चुका है, ऊपर की लेयर ड्राई हो चुकी है। अब इसके ऊपर डाल देना, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसके बाद इसे अच्छे से पलट देंगे। इसे दूसरी साइड भी अच्छे से हमें पका लेना है और देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आ रहा है नाश्ते का, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड। इसे किसी को भी खिलाएंगे उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये नाश्ता मुरमुरे का बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी लगता है।
और बहुत ही क्रिस्प, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो देख सकते हैं मैंने इसे बहुत अच्छे से पका लिया है, बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है। तो अब इस नाश्ते को निकाल लेंगे हम, और बाकी बचे हुए बैटर का या फिर आप इसका अप्पे भी ऐसे बना के खा सकते हैं या फिर आप इसका चीला भी बना करके खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो फटाफट अब मैं इसे निकाल लूँगी, अब इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए इस नाश्ते का जो लुक आया फ्रेंड, वो देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता बना हुआ है। इसके साथ मैंने ले ली यहाँ पे टमाटो केचप। आप अपने मनपसंद की कोई भी चटनी के साथ इस नाश्ते को सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक नाश्ते का लुक भी है मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना ज़्यादा परफेक्ट, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है फ्रेंड। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे फ्रेंड एक और नई रेसिपी के साथ।